मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियां। तीन दिनी ग्राम गौरव उत्सव में कार्यक्रम के दूसरे दिन आई यूपी सरकार के तीन मंत्री। आपको बता दूं कि मेड़े कल्याणी सेवा ट्रस्ट द्वारा कौशाम्बी द्वारा अपने स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय ग्राम गौरव उत्सव का आयोजन किया गया। आज ग्राम गौरव उत्सव कार्यक्रम का दूसरा दिन रहा। आपको बता दूं कि ग्राम गौरव उत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजा जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पीडब्ल्यूडी मंत्री जय प्रकाश निषाद, पशुधन मंत्री। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरातू विधायक शीतला प्रसाद ने किया। ग्राम गौरव उत्सव कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य देसी गाय प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेताओं को मुख्य अतिथि के द्वारा प्रथम द्वितीय तथा द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पशुधन मंत्री जय प्रकाश निषाद ने किया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, इस तरह के ट्रस्ट द्वारा समाज के लोगों के लिए वरदान साबित होता है। ग्राम गौरव उत्सव में आए सभी मंत्रियों ने ट्रस्ट के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि ने मेड़े कल्याणी सेवा ट्रस्ट के गौशाला का भी अवलोकन किया और गायों को अनाज भी खिलाया। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम मथुरा के पूर्व निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने ट्रस्ट के रूपरेखा व शून्य बजट खेती के बारे में किसानों को बताकर लाभान्वित किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन अखिलेश मौर्य, राज्य विधि अधिकारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने किया। में आप आए हैं और यहाँ आपको आकर के कैसे? ये हमारे एक बहुत पुराने संघ के विभाग प्रचारक के द्वारा, राजेंद्र जी के द्वारा, इस मेड़ई कल्याणी सेवा ट्रस्ट जो आप लोग के गाँव में बनाया गया है, भोरी लाल जी उसके अध्यक्ष हैं, आप ही के लोग के द्वारा ये मुझे आमंत्रित किया और हमारे साथ हमारे आपके प्रभारी मंत्री आदरणीय चंद्रिका जी भी हैं और जयप्रकाश निषाद भी थे, वो चले गए। हम सभी लोग को और आपके पुराने संबंधों को लेके इस ट्रस्ट को, इस ट्रस्ट की सेवाएं देखने के लिए और समझने के लिए और आगे इसको शुभकामनाएं देने के लिए हम सभी लोग आए। मंत्री जी, आप आबकारी विभाग के मंत्री थे। कैमरामैन बलराम साहू के साथ सुनील साहू की ब्यूरो रिपोर्ट।